इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। एक बड़ा हादसा हो गया है, कुन्नूर से सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। प्राप्त जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि इसी हेलीकॉप्टर में CDS विपिन रावत भी इसमें अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। उन दोनों के साथ हेलीकॉप्टर में 14 लोगों के सवार होने की भी बात कही जा रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनरल विपिन रावत, मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलिस लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक जितेंद्र कुमार नायक, गुरु सेवक सिंह, लायंस नायक विवेक कुमार, लायंस नायक बी साई तेजा, हवलदार सत्यपाल हेलीकॉप्टर में सवार थे, ऐसा कहा जा रहा है। इस हादसे में अभी तक 4 लोगों के शव बरामद होने की बात भी कही जा रही है। इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। माना जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ है। सभी घायलों का इलाज वेलिंगटन बेस में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक CDS विपिन रावत अपनी पत्नी के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने ऊटी जा रहे थे। हादसा इतना भयानक था कि चारों तरफ आग की लपटें नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं। बेहतर खबरों के लिए RBC लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। RBC चैनल।